अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर हम अपने भाई की शादी की जो है वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ये हैं बच्चों की ड्रेसेस, वो निकाल दी हैं मैंने। और आयशा देख रही हैं फ़ोन, उनका रेडी होने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। मैं बोल रही हूँ आयशा जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि लेट हो जाएंगे वरना। और मम्मा को भी रेडी होना होता है तो मम्मा को थोड़ा टाइम भी लगता है मेकअप करने में और ज्वेलरी वगैरह पहनने में। और बच्चों को तो ये है कि जल्दी से रेडी कर दो, लेकिन बच्चे कपड़े बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं। और थोड़ा सा डर है मुझे कि आयशा जो है ये ड्रेसेस पहनेंगी या नहीं, लेकिन देखती हूँ कोशिश करके, क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है आयशा को और हुमैरा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती हैं। जो भी मैं बनाती हूँ वही पहन लेती हैं। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से हो जाते हैं रेडी। तो यहाँ पर जो है आयशा से मैं बोल रही हूँ, आयशा जल्दी से उठिए, आइए जल्दी से, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। बाथिंग तो मैंने बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले ही करा दी थी। तो सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये है मेरी प्यारी सी ड्रेस। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी शादी की ड्रेस कैसी लगी आपको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा हैवी पहनने का, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हल्का सा पहना है। और ये मेरी बैंगल्स हैं मैचिंग। तो सारी चीज़ें मैचिंग निकालने के बाद मैं हो चुकी हूँ फ्री और मैंने अपनी ड्रेसेस भी जो है वो सेट कर ली है और अपने सैंडल्स भी निकाल लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेकअप की तरफ, जो सबसे बड़ा टास्क होता है लड़कियों का। और सारी चीज़ों को सेट कर दिया है मैंने, अपना मेकअप किट सब निकाल ली है बाहर। और आज मैं बहुत ही अच्छा सा मेकअप करूँगी और मेकअप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉबेरी, जो मेरा फेस वॉश है उससे अपना फेस क्लीन करूँगी। मैं फेस क्लीन करके आ गई हूँ और मेरी ग्रीन टी जो है वो तैयार है, तो ग्रीन टी भी साथ साथ पीऊँगी मैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लगाएंगे लैक्मे का प्राइमर जेल और उसके बाद में लगाऊंगी फाउंडेशन। शेड थोड़ा सा मेरा डार्क है और जो मेरा लाइट वाला शेड था जो मेरे फेस पे सूट करता था वो मेरा ख़त्म हो गया है। और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये, मेरे को फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको एडजस्ट करना, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं यही वाला शेड लगाऊंगी। तो ये मेरा जो है मिरर है और उसके बाद जो है मैंने अपनी शेड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। और ये हाइलाइटर है, देखिए मैंने आज आपको मेकअप अपना दिखा ही दिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा मेकअप होने के बावजूद जो है बहुत अच्छा मेकअप होता है। तो यहाँ पर हम आज रेड कलर की लिपस्टिक लगाएंगे मेकअप, और बच्चे जो हैं वो रेडी हैं शादी में। और मेरी ड्रेस को देख के बताइए कितनी इन ड्रेस की, कमेंट में जरूर बताइए। अरे इसका ये पजामा नीचे कर दो। आयशा को बहुत कोशिश करने के बाद वो वाली मरून वाली जो फ्रॉक वाली ड्रेस थी वो नहीं पहनी, और ये वाली ड्रेस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से पहनी है। तो चलिए पहन तो लियो, थोड़ा कॉटन है तो बेटर रहेगा, कंफर्टेबल भी हैं बच्चे, तो इस तरह की ड्रेसेस कंफर्टेबल रहती हैं। और मैं हमेशा बीबा से ही शॉपिंग करती हूँ बच्चों की, मतलब ज़्यादातर मैं बीबा से करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कहीं भी पसंद आ जाते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है तो वो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ बच्चे हो गए हैं रेडी और आयशा हुमैरा दोनों रेडी हो चुकी हैं और मेरा चल रहा है अभी मेकअप। और यहाँ पर मैंने आयशा के हेयर बैंड लगा दिया है क्योंकि हेयर जो है, और एक बात और, जो मैं हुमैरा को रेडी कर रही थी और हुमैरा का बिल्कुल रेडी हो गई थी तो हुमैरा ने शीशे में देखा के एकदम और बोली, मम्मा मेरे हेयर तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, आपने मुझे मेरे बाल उतरवा दिए तो आप मुझे कैब दीजिए। तो मैंने जल्दी से कैब ढूंढ कर दिया, तो उन्होंने कैब जो है पहन लिया। और यहाँ पर हो गई हूँ मैं भी रेडी और सारी चीज़ पहन ली है मैंने। अब हम लोग निकल रहे हैं बहुत जल्दी, तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है और फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हाँ, फाइनली हम इस टाइम जो है 7:30 हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज के बाद नमाज पढ़ते आज आयशा को पता नहीं क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा शाउट कर रही हैं कि बहुत तेज़ बातें कर रही हैं और पोलाइट बिल्कुल नहीं कर रही हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन हम काफ़ी मना करने के बावजूद थोड़ा संभल जाती हैं आयशा, लेकिन फिर से वही शाउट करने लग जाती हैं। उनको थोड़ा एक्साइटमेंट है, बच्चों को भी होता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर और दिखाती हूँ आपको आगे।
वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पर मेरे कज़न जो हैं मामू के बेटे वो वेट कर रहे हैं दूल्हे का, क्योंकि अभी दूल्हा जो है वो थोड़ा पीछे हैं और अभी दूल्हे की गाड़ी आई नहीं है, तो हम लोग अपनी गाड़ी को सबसे पहले पार्क करेंगे और फिर मैं बच्चों को अंदर छोड़ कर आऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। और ये है हमज़ा, हमज़ा कह रहा है आप मेरी फ़ोटो लीजिए, मेरा वीडियो लीजिए, वीडियो बनाइए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महल झोम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो पहुंचने के बाद मैं आ गई हूँ दूल्हे को लेने के लिए, तो दूल्हे की जो कार है वो आ गई है, मतलब मेरे भाई जो हैं, मेरे कज़न ब्रदर जो हैं दूल्हा बनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सब लोग आ गए हैं, ये सब लोग बराती हैं और हम भी बराती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह ये मेरी मुमानियाँ हैं और सब लोग हैं यहाँ पर, आप लोग जान ही चुके होंगे क्योंकि मैं हमेशा दिखाती हूँ अपनी वीडियोस में सभी को। तो ये है हाँ दूल्हे राजा, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, तो उसका तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है, अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर जो है वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटो शूट हो रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है, सब लोग जो हैं खूब फन कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ा उस चीज़ में होता है कि आपके पास इतना कम टाइम होता है बच्चों की वजह से, कभी किसी की वजह से, कि वैसे नहीं मिलना होता शादियों में। और असल में मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ मिलने की वजह से ही, और मेरे इतना करीबी रिश्ता था कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। एक्चुअली मेरा ना अभी थोड़ा परहेज़ भी चल रहा है और मेरा खाने पीने का थोड़ा, अभी मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, लेकिन सब लोगों को मिलने की वजह से मेरा ये था कि चलिए खाने पीने का तो कुछ नहीं है, आप खा के जा सकते हो, डिनर करके जा सकते हो, क्योंकि इवनिंग में जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हुमैरा फ्रेंच फ्राइज़ खा रही हैं, मैं भी आ गई हूँ बच्चों के पास, और सब लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, सलाम दुआ कर रहे हैं। तो मैं अपना खाना पीना जो है वो खा कर आ गई थी और कुछ देखा कि कुछ अपनी मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ होगा इस तरह का तो मैं खा लूँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं खाऊँगी, ये सोच कर मैं आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल भी रही। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया यहाँ पर, मेरी मतलब कि क्या क्या चीज़ थी। तो यहाँ पर जो है बच्चे आ रहे हैं अंदर, और यहाँ पर मैं जो है वो गिर गई थी क्योंकि उन्होंने शरारा पहन रखा था, और शरारा इस तरह का ही होता है कि बच्चे थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। और इस बार ना दुपट्टा मैंने ऐसे पिनअप किया था कि वरना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे निकाल निकाल के फेंक देते हैं, इस बार मैंने स्टिच कर दिया था कि वो एक ही जगह रहे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी टेस्टी खाना है यहाँ पर। तो चीला बन रहे थे और मेरा जो माइंड हो रहा था, मैं सोच रही थी कि भैया से जो है विदाउट ऑयल चीला बनवा लूँगी अगर मुझे भूख लगी, क्योंकि इस टाइम तो मैं खाना खा कर आई थी घर से, तो मुझे भूख ज़्यादा नहीं लग रही थी, मुझे सब लोगों से मिलना ही था और बच्चों से भी, बच्चों को भी फ़न कराना था, एक ये भी थी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं खूब मस्ती कर रहे हैं अपना, देखिए हुमैरा आयशा का तो पता भी नहीं रहता है कहाँ पर चले जाते हैं, मुझसे दूर दूर ही रहते हैं। मैंने वो बोल रही थी कार में, मम्मा आप हमसे दूर नहीं रहा करिए, हम आपको फिर ढूंढते हैं, हुमैरा बोल रही थी। मैंने बोला आप मेरे साथ ही रहा करो, मुझे तो पता भी नहीं रहता आप किधर हो। तो ये है इजहान मेरा भाई का बेटा, और देखिए ये है आयशा। तो आयशा का जो है पूरा यहाँ पर फन चल रहा है, और दुपट्टा जो वो बार बार पीछे को कर रही है, लेकिन मैं आगे करती हूँ वो पीछे कर लेती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खाया भल्ला, दही और थोड़ी सी मीठी चटनी डलवा के हल्का सा मसाला, तो ये कंफर्टेबल था मेरे लिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है नहीं था, बहुत अच्छा था, टेस्टी था, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ इसको खाकर। उसके बाद मैंने वाटर पिया बहुत सारा, और यहाँ पर आ गई थी हुमैरा, मुझसे फरमाइशें कर रही थी, मम्मा मुझे ये खाना है वो खाना है, तो वो जो भी मांग रही थी बच्चों को मैं करके दे रही थी, खुद भी ले रही थी, मैं भी दे रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ, खाना मुझे कुछ नहीं है लेकिन आप लोगों को दिखाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, और यहाँ पर जो है
मैं आई थी चिकन लेने के लिए, क्योंकि हुमैरा आयशा की फरमाइश हो रही थी मम्मा फ्राई चिकन खाना है, तो मैं आई थी फ्राई चिकन लेने के लिए। चलिए मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ क्या क्या है। तो बहुत ही अच्छे से गुलाब जामुन है और हलवा है, और स्वीट डिश में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है हुमैरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनको अच्छा लग रहा है, आयशा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि खाना पीना तो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सब मिल जाते हैं तो खेलना कूदना काफ़ी हो जाता है। तो मैं ये देख रही हूँ कि प्लेट लेकर आऊँ, तो थोड़ा डिस्टेंस था और मुझे थोड़ा सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हुई जाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो मैं अब लेकर आ गई हूँ बच्चों के लिए प्लेट, और यहाँ पर ना मैं अम्मी को भी ले जाकर दे रही थी, क्योंकि अम्मी टेबल पर ही बैठी थी, तो उनको मैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें ले जाकर दे रही थी, तो वो आराम से कम्फर्टेबल होकर खा रही थी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो है फ्राई चिकन ले लिया है, चलिए अब देखते हैं कहाँ पर स्पेस है, और बच्चों को बिठा कर और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो है खाना पीना करा देते हैं हम। तो मैंने हुमैरा को प्लेट दे दी, और हुमैरा ने अपनी जो सीट है वो जो है बैठ गई है जाकर, और आयशा भी यहाँ पर मुझसे बोल रही है मम्मा मुझे वाटर चाहिए। तो मैं इनके लिए पानी लेकर आई बच्चों के लिए, और इनको खिलाया पिलाया। अच्छी बात है कि बच्चे जो है फ्राई चिकन खा लेते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी मसाला या चटनी ये सब जो है ऐड नहीं करवाती हूँ, तो ऐसे ही प्लेन खा लेते हैं वो। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा चूज़ी होते हैं हर चीज़ में, मुश्किल हो जाती हैं सब चीज़ें खानी करनी, तो पेट भरा कैसे जाए बच्चों का। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों को मिल ही जाती हैं अपने अकॉर्डिंग खाने के लिए, और वो पेट भर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर मैं वाटर लेकर आई हूँ, और यहाँ पर आयशा जो है वो परेशान कर रही है मुझे कि मम्मा हुमैरा अप्पी ने मेरा वाटर पी लिया। उसके बाद आयशा बोलने लगी मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए लेकर आई। तो यहाँ पर जो है हुमैरा आइसक्रीम खा रही हैं, और जो है मज़ा आ रहा है काफ़ी। गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है जितना हमने सोचा था। मैं तो बच्चों को बहुत ही हल्के हल्के कपड़े पहना के लेकर आई थी, सब लोग जो है अपना फ़ोटो शूट कराने लगे और अपना जो है वीडियो बनवाने लगे, तो काफ़ी देखिए सब लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे भी भूख लगने लगी इन सब चीज़ों के बाद, मैं आई भैया के पास, मैंने बोला भैया आप विदाउट ऑयल मुझे चीला बना के दीजिए, और मेरे साथ ही फबिया। तो यहाँ पर हमने भैया से बहुत ही टेस्टी से चीले बनवाए, स्मॉल साइज़ के तो होते ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 से 3 चीले बनवाए। मैंने सोचा बच्चों को भी खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी, और इसमें ऑयल भी नहीं है, और तो मैं थोड़ा कम्फर्टेबल थी, और मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए क्योंकि मुझे मिल गया विदाउट ऑयल चीला मेरी पसंद का। तो यहाँ पर जो भैया बना रहे हैं, देखिए इनका बनाने का स्टाइल कितना अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पर मेरे आने वाले हैं मज़े, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ, मैं क्या खाऊँ। मैं बहुत देर से उस कोशिश में थी कि मैं मेरी चीज़ की, मेरी पसंद की चीज़ और मेरी परहेज़ की चीज़ मिल जाए, लेकिन मुझे फाइनली मिल गई। तो मैंने भैया से ज़बरदस्त से चीले जो है वो बनवा ली है, और बोला है भैया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बना कर दीजिए, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो भैया ने बोला ठीक है मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ। तो भैया बनाने लगे, और हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर, और फबिया भी मेरे साथ थी और मैं थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि चीला जो है कब रेडी हो और कब हम अपनी प्लेट में। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़, अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए व्लॉग्स जो हैं अपलोड हो जाते हैं टाइम पर। तो जल्दी से अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और इन्जॉय कीजिए आप लोग, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मज़े कीजिए। तो मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा यहाँ पर मैं आफिफा मुझे दिख गई हैं, और अलिफिया, तो उनको मैं बुला रही हूँ अपने पास। और होम फबिया जो हैं वो चली गई हैं किसी काम से, तो फबिया अभी आने वाली हैं। आपको देखिए यहाँ पर ये चाउमीन बना रहे हैं, तो हम इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते, सिर्फ देख ही सकते हैं। तो फबिया ने मुझे आखिरकार एक गोलगप्पा खिला ही दिया,
तो भैया ने इसको ज़बरदस्त तरीके से सेका चीले को, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा चीला जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मंगाते हैं जल्दी से प्लेट। तो फबिया जो है प्लेट लेकर आ रही हैं, क्योंकि उनके भैया के पास चीले वाली जो प्लेट थी वो छोटी छोटी थी, तो मुझे लेनी थी थोड़ी बड़ी प्लेट, क्योंकि तीन चीला आने थे उसमें। और कंफर्टेबल होके खाओ। तो यहाँ पर मैंने फबिया से प्लेट मंगाई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा चीला जो है वो अपनी प्लेट में ले लिया। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से भैया ने स्टफिंग जो है वो इसमें ऐड की है, और बहुत ही टेस्टी सा चीला जो है वो रेडी हो गया। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, फटाफट से सबसे पहले मैं अपने टेबल को देखती हूँ। ठीक है ना, ज़बरदस्त। और रुका नहीं जा रहा है हमसे, तो जल्दी से हमने खाया पिया। और उसके बाद मुझे मिल गई थी यहाँ पर एक मेरी बहुत ही अच्छी आंटी, तो मैं काफ़ी बात कर रही थी उनसे, तो फिर हम लोगों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए अपने, और बहुत मज़ा आया उनसे मिलने के बाद। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनकी हैबिट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और हमारा जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो गई। तो मैं चीला खाती रही और काफ़ी सारी उनसे बातें करती रही। तो मैंने उनको बताया कि मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, मेरा चैनल है, तो सारी ये सब तरह की चीज़ें होती रहीं। तो देखो इंशाल्लाह ताला, वो घर पर आने के लिए भी बोल रही थी, वो जल्दी ही घर पर आएंगी। तो हमने खाने पीने के बाद आ गए थे हम दुल्हन की साइड। तो दुल्हनें जो हैं वो बैठी हैं, और दोनों सिस्टर हैं, दोनों की ही एक साथ शादी है। तो यहाँ पर सब लोगों से मिलने के बाद मैं जो है बच्चों को मैंने फ़ोन दे दिया था, बच्चे आए बाहर और अपनी वीडियोस जो है वो शूट कराने लगे। तो बहुत ही सारी रस्में होती हैं, बारात आने के बाद निकाह होता है, खाना होता है, सलामी होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम जो है वो स्पेंड हो गया सारा। और सब लोग काफ़ी फ़न करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा टाइम होता है कि बहुत ही ज़्यादा सुकून का होता है। तो यहाँ जेंट्स जो था वो जेंट्स का जो था वो बाहर की साइड था, और लेडीज़ का जो था वो अंदर की साइड था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैरिज होम था, बहुत कम्फर्टेबल था, और बहुत बिल्कुल गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है शादी में, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा फ़न कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का तो बिल्कुल एहसास है ही नहीं। और यहाँ पर जो बलून्स वाले भैया हैं, उन्होंने जो बलून्स बच्चों का मज़ा करा रखा था पूरा, कभी कोई टॉय लेकर आ रहे हैं, कभी कोई टॉय लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये है जी मामू की बेटी, और ये है मेरी भतीजी वो मदिहा। तो चलिए यहाँ पर लग गया है सारा सामान, तो सामान देखते हैं। होती है कि सामान लगाना, करना, दिखाना, बहुत ही ये भी अलग सी चीज़ होती है एक, तो इसमें भी खूब मज़ा आता है। तो हम लोगों ने जो है सामान देखा दोनों तरफ का, और दो दुल्हनें थी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी फ़न किया, और बहुत ही प्यारी प्यारी सूट्स जो हैं वो देखने के लिए मिले, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस, ज्वेलरी। तो मुझे इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें देखने में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी सी जो हैं वो सेट हुई हुई हैं। तो ये बोल रहे थे बार बार कि अब चलना नहीं है क्या, घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं काफ़ी। लेकिन मैं थोड़ा सा बोल रही थी कि प्लीज़ आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। इस तरह से मैंने काफ़ी टाइम खींच दिया अपना, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सोते हैं, तो थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं होते हैं और बहुत परेशान भी करते हैं अगर उनको टाइम से नींद नहीं मिले तो इसलिए वो हो रहे थे परेशान काफ़ी। और तो हम लोग सोच रहे थे कि चलिए अब चलते ही हैं। तो देखिए आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है ना। तो अब मेरा जो है यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, अब मैं सबसे जो है बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ अल्लाह हाफिज़ करके, सब लोगों को सलाम करने के बाद मैं निकल गई हूँ अब यहाँ से। सब चीज़ देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, ज्वेलरी देखने के बाद, सूट्स, ये सब चीज़ें देखने के बाद काफ़ी मज़ा आया, तो मैं यहाँ से निकल गई हूँ। क्योंकि खाना वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, मैं वो टेबल वगैरह लग रही थी, निकाह के लिए आ गए थे सब, निकाह हो गया है तो यहाँ पर लड़की निकाह के लिए साइन करती है, वो वाला जो है चल रहा है। तो उसके बाद जो है ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे निकलना था। ये है लड़की की बहन, मतलब मेरे भाई की साली जो सामने है,
बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो सब चीज़ों के बाद अपना जो निकलने का प्रोग्राम है वो सेट कर रहे हैं कि हमको 5 मिनट में निकलना है, 10 मिनट में निकलना है, तो यही सब चल रहा है अभी। मैं और बाजी बात करने लगे थे यहाँ पर, क्योंकि तो मैं और बाजी देख रहे थे यहाँ पर दोबारा से कपड़े। एक बार तो मैंने अकेले वीडियो बनाई थी, तो वीडियो बनाने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने देख लिया, और यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं कपड़े। उसके बाद सब लोगों ने कराया यहाँ पर फ़ोटोशूट, वीडियो बनवाई। तो आप लोग भी जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बताइए कैसे कैसे आपको ड्रेसेस लगी, कैसी ज्वेलरी लगी, कैसी आपको मतलब मेरी वीडियोस कैसी लगी, व्लॉग्स कैसे लगा। तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को जो अभी बोला था मैंने सब्सक्राइब, और कर दीजिए शेयरिंग वीडियोस की, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला चलिए, अब हम लोगों का जो है निकलने का प्रोग्राम हो गया है। इजाज़त चाहती हूँ मैं, और वीडियो भी यहीं पर लास्ट करती हूँ, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो वीडियोज़ जो है शूट हो रही हैं यहाँ पर। तो आप लोग वही देख रहे थे, वीडियो शूट हो रही थी, और दुल्हन की भी काफ़ी वीडियोस बन रही थी। तो खाने पीने के बाद हम लोग हो गए थे फ्री, और यहाँ पर भी जो है निकाह हो गया है, तो सब चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है वो बारात भी निकल जाएगी, लेकिन मुझे बारात के साथ वापस नहीं जाना था, मेरे को घर ही जाना था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, ये आप लोगों को पता भी होगा। इसलिए मैंने सोचा कि घर ही चली जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बारात में ही शामिल हुई थी। तो अब आपकी सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ख्याल रखनी पड़ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अभी टेस्ट हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आई हैं अभी, मतलब रिपोर्ट नहीं आई हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है इस चीज़ की, लेकिन अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो रिपोर्ट हैं वो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हैं। जो आगे की हैं इंशाल्लाह ताला वो भी काफ़ी हद तक अच्छी ही आएंगी, जैसे मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है। बाकी जो है निकाह की जो पैकेट्स होते हैं वो भी आ गया है मेरे हाथ में, यहाँ पर भाई दे रहे हैं सबको निकाह के पैकेट्स, और अम्मी भी आ गई हैं। तो मैं अम्मी से बोल रही हूँ कि अम्मी अब काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, थोड़ा 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 करते करते अब मैं निकलती हूँ, तो मैं निकल गई हूँ, और मुझे चलते चलते मिली मेरी फ्रेंड, और बहुत ही अच्छी इनसे मिलकर लगा। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उनकी साली हैं ये, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं अब जा रही हूँ। यहाँ पर आ गए हैं भाई और मामू वगैरह, जो भी मुझे देख रहे हैं जाते हुए, सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं कि शिफा जा रहे हो जा रहे हो। तो देखिए आज तो मैं मामू से मिल ही नहीं पाई, तो फाइनली मामू से भी मिल ली, और यहाँ पर जो है सब लोग हैं, भाई हैं, और लास्ट में मैं तनवीर भाई से मिली जो मेरे कज़न हैं। तो प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी आ गई हैं मुझे अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। तो चलिए।